आदि भैया आज हमारे साथ शर्मिला मैम है, तो ये अपने आप में इतनी बड़ी बात है। लाइक वो एक लेजेंड है और उनका हर गाना हर मूवी आइकॉनिक रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़े प्रेशर की बात है। और मैं जो गाने गाने वाली हूँ दोनों लता जी के भी गाने हैं, तो और भी ज़्यादा नर्वसनेस प्रेशर है। तो मैंने एक लंबी सांस ली, अपने आप पर पूरा भरोसा किया और मुझे विश्वास है मैं ये परफॉर्मेंस बहुत यादगार बनाऊंगी। बिल्कुल सही किया आपने, अपने आप पे भरोसा रखो और शुरू हो जाओ। वेरी ब्यूटिफुल। इनफैक्ट आप जब गा रही थी तो मैम थोड़ी इमोशनल लग रहे थे। बिकॉज आई नो दैट काव्याज पिताजी एक बहुत फेमस मशहूर सिंगर हैं, मगर वो यहाँ तक अपने
बल पर यहाँ तक पहुँची है विच आई थिंक इज जस्ट फैंटास्टिक. एंड यू मौसम में जो आपने पहले गाना जो गाया वो मौसम का गाना था उसमें मुझे नेशनल अवार्ड मिला. सो गुलजार साहब का लिरिक्स थे उसमें. सो यू सैंग इट ब्यूटिफुली परफेक्टली. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आपने गजल गाया है, आपने स्विंग गाया, आपने ये दोनों गाने गाए. जो मुझे सबसे बढ़िया बात लगती है आपकी, एंड जेन्युइनली आई फील दिस अबाउट यू वेरी स्ट्रॉन्गली, कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हो, नॉट जस्ट अ सिंगर. आप एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिशियन हो जो कि हर जॉनर को समझती है, जो कि वर्सिटिलिटी को अपना कॉलिंग कार्ड बना रही है. आप सब कुछ कर सकती हो. 360 एक दृष्टि है आपकी, जो एक कलाकार को होना बहुत बहुत जरूरी है. एंड आई रियली फाइंड दैट वेरी एडमिरेबल. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू सो मच. आपके लिए एक स्पेशल मैसेज है जो हम आपको दिखाना चाहते हैं. आदाब अम्मा, आज यहाँ मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप हम सभी के लिए, स्पेशली अपने बच्चों के लिए, कितनी बड़ी इंस्पिरेशन है. आपको ऑलमोस्ट 60 इयर्स हो गए हैं इंडस्ट्री में काम करते हुए. आपके हमेशा इतना काम करने के बावजूद हमें कभी भी घर पर आपकी कमी महसूस नहीं हुई. आपने हमेशा घर एंड वर्क का इतना बैलेंस बनाकर रखा है. यू हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट इंस्पिरेशन टू अस एंड फॉर ऑल द वुमेन आउट देयर, स्पेशली वर्किंग वुमेन. आपने हमेशा सारे स्टेरियोटाइप्स ब्रेक किए हैं एंड यू हैव कंटिन्यूड टू कीप वर्किंग इवन आफ्टर हैविंग चिल्ड्रन एंड गिविंग द बिगेस्ट हिट्स ऑफ योर करियर लाइक आराधना, अमर प्रेम, चुपके चुपके एंड सो मेनी मेनी मोर. यू हैव टॉट अस टू रिस्पेक्ट वर्किंग वुमेन. तभी तो मैं आज घर पर बैठकर तैमूर का ख्याल रख रहा हूँ एंड करीना लंदन में अपनी फिल्म शूट कर रही है. अम्मा के बारे में जितना कहूँ उतना कम रहेगा. जब हम अम्मा के साथ रहते हैं तो देयर आर टू वर्ड्स दैट कम टू माय माइंड ऑलवेज इज लव एंड सॉलिडैरिटी. शी इज समवन हु इज सो करेक्ट, समवन हु इज ऑलवेज सॉलिड इन एवरी फॉर्म, चाहे वो अपने दोस्तों के साथ हो, फैमिली के साथ हो, बच्चों के साथ, विद तैमूर एंड जे, सारा एंड इब्राहिम, आई थिंक विद एवरीबडी. शी इज ट्रूली लाइक द ग्राउंडिंग फैक्टर ऑफ दिस फैमिली एंड वी आर ऑल वेरी लकी टू you know be under her umbrella. I love you a lot, I respect you a lot, and I hope you have a fantastic show. आदाब अम्मा, मैं बहुत ही खुश नसीब हूँ कि जब आप मुंबई आते हैं तो आप हमेशा मेरे साथ रहते हैं और मुझे वो मौका मिलता है आपके साथ बॉन्ड करने का. हमारा रिश्ता तो बहुत ही करीब और गहरा है. आई एम द यंगेस्ट ऑफ ऑल योर चिल्ड्रन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कि आप अभी भी अपने पैशंस को फॉलो करती हैं और आपको लोग कितना प्यार और इज्जत देते हैं. एंड अभी भी आप फिल्मों में काम कर रही हैं. सो इट्स रियली वंडरफुल टू सी यू डूइंग सो मेनी थिंग्स दैट यू एंजॉय एंड आई होप दैट आई कैन टेक अ कपल ऑफ पेजेस फ्रॉम योर बुक. सी यू सून अम्मा, हैव फन. आदाब अम्मा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि यू हैव ब्रॉट अस अप वेरी वेल, माशाल्लाह. बहुत प्यार से पाला है, डिसिप्लिन भी दिया है. यू आर ग्रेट एंड माशाल्लाह आई लुक अप टू यू. आप कितने ग्रेस और डिग्निटी से पेश आती हैं. आई एडमायर दैट अबाउट यू एंड आई थिंक आई गेट दैट अलॉट फ्रॉम यू. आपने घर कैसे संभाला मैंने आपसे ही सीखा. कीप स्टेइंग द वे यू आर. लॉट्स ऑफ लव. थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल मदर एंड ऑलवेज बीइंग देयर फॉर अस. आई लव यू अ लॉट. हैव अ ग्रेट टाइम एट द शो. Thank you so much. Thank you. मुश्किल घड़ी आ गई है यार. Contestants, all the very best. और आप 15 के 15 इस वक्त देश के फेवरेट सिंगर्स बन चुके हैं. इतना प्यार आपको मिल रहा है. एक बार हमारे टॉप 15 के लिए जोरदार तालियां हो जाए. और अमेजिंग परफॉर्मेंसेस. तो इस हफ्ते के जो जजेस स्कोर्स हैं वो मेरे हाथ में आ चुके हैं. जजेस के स्कोर्स के मुताबिक जो आज बॉटम 3 नाम हैं वो हैं चिराग, दूसरा नाम है शगुन और तीसरा और आखिरी नाम है देवोस्मिता. आप तीनों में से सबसे कम वोट्स जिसे आए हैं वो नाम है
शगुन पाठक। एक बार शगुन के लिए तालियां हो जाए। शगुन बहुत अच्छा गाया है आपने, बहुत एंटरटेन किया। शगुन टॉप 15 इंडियन आइडल सीजन 13 के तुम वो ब्यूटीफुल सिंगर हो जिसके बारे में विश्व भर में चर्चा हो रही है, वो कोई छोटी बात नहीं है। और ये सफर अब तुम्हारे लिए यहाँ से खत्म नहीं होता, शुरू हो रहा है। बिल्कुल। देखो स्मिता, चिराग, आप दोनों सेफ हैं, आप टॉप 14 का हिस्सा बन चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस, प्लीज आप अपनी जगह ले सकते हैं। इंडिया, आपके कीमती वोट्स आ चुके हैं। जजेस बचे हुए कंटेस्टेंट्स को स्कोर्स देंगे और आज शो खत्म होने से पहले फाइनली हम आपको देंगे टॉप 14। तो बुलाते हैं आज के पहले कंटेस्टेंट को, पूरी दुनिया को दिखाने के वंस अ किंग ऑलवेज अ किंग, विनीत सिंह। छलकाए जा आए
के नाम, होठों के नाम, आँखों के नाम, होठों के नाम। शर्मिला मैम, कैसा लगा आपको? Enjoyed it very much. आपकी आवाज में जो एक रूहानियत है, कानों में गूंजती है इनकी आवाज, मुझे बहुत अच्छा लगा. छलकाए जाम, वी वर शूटिंग, उस वक्त मैं डबल शिफ्ट कर रही थी, लास्ट डे, और वो गाना कंप्लीट नहीं हो सका. और मुझे जाना था कोलकाता, बिकॉज देयर वाज अ टेस्ट मैच, वेस्ट इंडीज वर्सेस इंडिया, एंड इट वाज आल्सो टाइगर्स बर्थडे. तो फिर मैंने जाके धर्म जी को रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ प्लीज़ आप एक्सटेंड करके कैसे भी हम गाना ख़त्म कर देंगे. एंड ही वाज सच अ स्पोर्ट कि हम सुबह 5 बजे तक शूटिंग की. And we finished the song. गाड़ी में मेकअप उतार के फिर प्लेन पकड़ के कोलकाता पहुंची. So sweet. मगर कितनी बुरी तरह से हारे हम वहाँ पे. और किसने सोचा था कि इतने आइकॉनिक फिल्म और गानों के शूट इस प्रकार हुए हैं. बहुत मजा आ रहा है मैम. जजेस, विनीत की परफॉर्मेंस पे स्कोर्स दे दीजिए प्लीज. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.